आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का अलग अंदाज हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है। उनके पुराने बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। कल का दिन बेहद खास था क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी और लालू यादव की मुलाकात हुई। दरअसल लालू यादव इस समय दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं। जब राहुल गांधी आरजेडी मुखिया से मिलने पहुंचे तो लालू ने उन्हें न केवल गले लगाकर गर्मजोशी से राहुल गांधी का स्वागत किया बल्कि एक साथ डिनर भी किया। यही नहीं, डिनर टेबल पर लालू यादव ने राहुल गांधी को अपना पसंदीदा चंपारण मीट भी खिलाया है। सूत्रों की माने तो चंपारण मटन लालू यादव ने खुद अपने हाथों से राहुल गांधी के लिए बनाया था। इस दौरान आरजेडी कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। सावन का महीना तो चल रहा है, फिर भी दिल्ली में लालू यादव अपना फेवरेट चंपारण मटन खाने से खुद को रोक नहीं पाए। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो आरजेडी सुप्रीमो ने इसे खुद से तैयार किया था। लालू ने फिर इसका लुप्त खुद तो लिया ही, साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी खिलाया। इससे उनके राहुल गांधी के प्रति अपनत्व की जो झलक थी वो साफ नजर आई। कहते हैं ना कि जैसे एक घर का बुजुर्ग अपने बेटे के प्रति लाड दिखाता है, वैसा ही कुछ नजारा मीसा भारती के आवास पर भी दिखा। लालू यादव की राहुल के इस आवभगत की वजह भी अहम थी। दरअसल मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां शुक्रवार को कोर्ट ने अहम आदेश दिया। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसका कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने स्वागत किया। बस इसी फैसले के बाद राहुल गांधी खास तौर से लालू के साथ डिनर के लिए पहुंचे थे। जैसे ही राहुल गांधी आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मिलने पहुंचे तो लालू ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद दोनों नेताओं ने बातचीत की, फिर रात के खाने की तैयारी शुरू हुई। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी दंग रह गए जब लालू प्रसाद यादव ने खुद से पकाए चंपारण मटन को कांग्रेस नेता को खिलाया। यही नहीं, उन्होंने राहुल को इसे कैसे पकाते हैं ये भी बताया। दिल्ली में शेफ बने लालू यादव ने राहुल गांधी को बिहार की विशेष शैली में बनाई जाने वाली चंपारण मटन की रेसिपी भी बताई, साथ ही समझाया कि कैसे इसे पकाया जाता है। वहीं आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दोनों नेताओं के मिलने की शानदार तस्वीरें भी ट्वीट की गई और लिखा गया कि स्नेह आदर और विश्वास की सौगात। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।